रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक्सक्रीशन का एक लास्ट टॉपिक है, किडनी प्रॉब्लम्स। पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन का डिस्कस किया था, जिसमें हमने किडनी के बारे में भी डिस्कस किया था कि किडनी किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें हमने बताया था कि किडनी बेसिकली नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है और वहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है। तो बाज़ औक़ात मेल न्यूट्रिशन की वजह से या बाज़ औक़ात डाइट प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी वजह से स्टोन्स बन जाते हैं या किडनी फेल हो जाती है। तो हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे आज, और उन प्रॉब्लम्स का इलाज कैसे किया जा सकता है वो करेंगे। सर, हम किडनी स्टोन की अगर हम बात करें कि व्हाट आर किडनी स्टोन, अनयूजुअल सिचुएशन में अराइज इन द फंक्शन ऑफ किडनी बाय फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग विद किडनी और आउटसाइड दीज कॉज सीरियस किडनी डिजीजेज। किडनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह से हैं। उनमें से जो किडनी स्टोन है, बेसिकली स्टोनी मटीरियल आर फाउंड इन द किडनी एंड दीज कॉज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन। तो बेसिकली क्या है, कोई स्टोनी मैस किडनी के अंदर बन जाता है, जिसकी वजह से वो किडनी के यूरिनरी सिस्टम के अंदर रुकावटें पैदा करता है, तो उसको हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। तो दी स्टोन हैव स्पेसिफिक केमिकल नेचर, दीज आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक डिजीजेज। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये स्टोन्स बनते हैं। तो दो जो हैं आपसे किडनी स्टोन डिस्कस किए हुए हैं, हाइपर कैल्शीमिया एंड हाइपर ऑक्सलेरिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हाई, तो हाइपर कैल्शीमिया के नाम से पता चल रहा है। हाइपर कैल्शीमिया इज़ द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटरिंग कैल्शियम इन द ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेज। किसी भी और बीमारी की वजह से खून में कैल्शियम ज़्यादा हो गया। अब हमने कल पढ़ा था कि खून जो है वो किडनी की तरफ जाता है, नेफ्रॉन्स की तरफ जाता है प्योरीफिकेशन के लिए, तो उसके साथ कैल्शियम भी जाता है। जब फिल्ट्रेशन होती है तो कैल्शियम भी फिल्टर होता है फिल्ट्रेट के साथ, और वो बाज़ औक़ात ग्लोमेरुलस के अंदर ही फंस जाता है, या वो किसी भी पार्ट में, किसी भी ट्यूब के हिस्से में फंस जाता है, और वहाँ से फिर नहीं निकल सकता, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है वक्त के साथ साथ, और वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट इज़ हाइपर ऑक्सलेरिया। हाई ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट इज़ अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। ऑक्सलेट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल्स में हैं, टमाटो में हैं, तो अगर हम इनको बहुत ज़्यादा खाएँ, रूटीन से ज़्यादा खाएँ, तो हाइपर ऑक्सलेरिया हो सकता है। बाय परसेंटेज अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स की चांसेस 70% है। द इंसिडेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ स्टोन्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑफ यूरिक एसिड इज 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। यानी कैल्शियम फॉस्फेट के चांसेस 15% हैं और जो यूरिक एसिड है उसके चांसेस 10% हैं। दीज सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेट आउट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन एक्यूमुलेट लेटर टू फॉर्म स्टोन। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर ये चले भी जाते हैं सॉल्ट्स, तो यूरिन के साथ बाहर निकल आते हैं बॉडी से, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये हमारे खून के साथ मतलब फ़िल्टर होते रहते हैं और हमारी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जमा होते होते एक स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जो आसानी से यूरिन के साथ पास आउट नहीं हो रहा होता। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो हमारे पास इसका जो इलाज है उसमें लिथोट्रिप्सी आ जाती है। पहले तो ये किया जाता था ना कि प्रॉपर सर्जरी की जाती थी, विच इज़ नॉन एज द लिथोट्रिप्सी। द किडनी स्टोन हैव बीन रिमूव्ड बाय द किडनी सर्जरी। लिथोट्रिप्सी से अलग एक प्रोसेस था जिसको हम किडनी सर्जरी कहते थे, लेकिन फिर ये कि उसमें पूरी बॉडी को कट लगा, मतलब जहाँ पर किडनी मौजूद है वहाँ पर कट लगाया जाता था, प्रॉपर ऑपरेशन होता था, फिर हम लिथोट्रिप्सी की तरफ आ गए। लिथोट्रिप्सी क्या, एक नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन रेज के ज़रिए, एक्सरेज के ज़रिए जो है, या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए किडनी के स्टोन्स को प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है। इट इज़ द टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन दैट आर फॉर्म इन द किडनी, यूरेटर और गॉल ब्लैडर। कहीं पर भी हो सकते हैं स्टोन, किडनी में भी हो सकते हैं, यूरेटर में भी, गॉल ब्लैडर में भी, जहाँ पर भी हो वहाँ से हम स्टोन्स को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के देर आर सेवरल वेज टू डू इट, ऑल द मोस्ट कॉमन इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सिस। सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज अल्ट्रासाउंड्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन इनसाइड। द शॉक वेव ब्रेक द स्टोन इन टाइनी पीसीज और इन टू सैंड विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन। यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करता है, पाउडर फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है। फिर बहुत ज़्यादा पानी पिलाए, मतलब पेशेंट पानी पिए मेडिसिन के ज़रिए, फिर वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। अगली कंडीशन हमारे पास है रीनल फेलियर। किडनी काम करना ही छोड़ गई किसी भी पैथोलॉजिकल अटैक की वजह से, किसी भी केमिकल
अटैक की वजह से किडनी की नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो गई, या किडनी का कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो वो काम करना छोड़ देगी। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस। ज़ाहिर जब किडनी सही तरह से काम नहीं करेगी तो वेस्ट जो है वो हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाएगा। द राइज इन यूरिया कॉज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। तो इसका इलाज क्या है? डायलिसिस। तो जब क्रोनिक रीनल फेलियर होता है तो हम डायलिसिस की तरफ मूव कर जाते हैं क्योंकि किडनियाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट पर्टिकुलरली द यूरिया, द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड विद डायलिसिस। इट क्लीन डायलिसिस क्लीन द ब्लड ईदर बाय पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी और बाय फिल्टरिंग इट विद इन द एब्डोमेन। यानी हमारे पास डायलिसिस के दो तरीके हैं, एक ये है कि हम आर्टिफिशियल डायलाइजर इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जैसे ये प्रोसेस दिखाया हुआ है ये वाला, और एक है कि हम एब्डोमेन के अंदर ही डायलिसिस का प्रोसेस कर लेते हैं। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एज बींग डन बाय द हेल्दी किडनी। बिल्कुल जैसे किडनी प्रॉपर काम करती है उसी तरह से ये प्रोसेस, और जो स्टम उसके अंदर पेट के अंदर ये प्रोसेस किया जा रहा है, एब्डोमेन में ये प्रोसेस किया जा रहा है, वो काम करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास डायलिसिस के दो टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। जो डायलिसिस एब्डोमेन के अंदर की जा रही है दैट इज़ नॉन एज पेरिटोनियल डायलिसिस, और ये वाली जो मशीन के जरिए की जाती है दैट इज़ नॉन एज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग द ब्लड। इन दिस प्रोसेस ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू अ मशीन विच कंटेन डायलाइजर कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी। ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। इधर से आर्टरी के साथ जो है वो उसको जुड़ा हुआ है, एक ट्यूब है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है और ब्लड को इस मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ पर इधर से ब्लड गुजरता है और इसकी जो ट्यूब्स हैं इसमें डायलाइजर मौजूद होता है। ब्लड इस तरह से सर्कुलेट करता हुआ जा रहा होता है और डायलाइजर के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह डिफ्यूज़ होते रहते हैं, और इस तरह से वो ब्लड साफ़ होता रहता है। जितने भी वेस्ट वगैरह हैं वो फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं, और यानी यहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है जो उसको कलेक्ट कर लेता है। ब्लड साफ़ होने के बाद फिर वापस वेन्स में एंटर कर दिया जाता है, और वेन फिर ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है, और हार्ट जो है वो फिर ब्लड को दोबारा से सर्कुलेट कर देता है। इस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम हीमोडायलिसिस का नाम देते हैं। तो डायलाइजर हैज़ टू स्पेस सेपरेटिंग बाय थिन मेम्ब्रेन। ये देखिए ये डायलाइजर मशीन है, इसके पास ऐसे थिन मेम्ब्रेन से सेपरेशन हुई हुई है। ब्लड पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूड ऑन द अदर। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू मेम्ब्रेन इन टू द डायलिसिस फ्लूड। तो इस तरह से वो क्लीन होता रहता है। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज़ अ पेरिटोनियल कैविटी। यहाँ पर मशीन को इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर एब्डोमेन में सारा प्रोसेस हो रहा है। तो जो हमारा एब्डोमेन है उसमें कैविटी मौजूद है विच इज़ नॉन एज द पेरिटोनियल कैविटी, एंड पेरिटोनियल कैविटी इज लाइंड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इज़ नॉन एज द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के पास ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। फिर हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूड से फिल करते हैं, यानी एब्डोमेन के पास एक छोटा सा कट किया जाता है या सुराख बनाया जाता है, उसके ज़रिए फिर उधर से एक छोटी सी पाइप गुजारी जाती है, पाइपलाइन सिस्टम गुजारा जाता है, बहुत बारीक सी ट्यूब होती है उसको गुजारा जाता है, एब्डोमेन में एंटर कर दिया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी तक उसको पहुंचा दिया जाता है। फिर डायलिसिस फ्लूड को उस पेरिटोनियल कैविटी में एंटर किया जाता है, एंड दैट ट्यूब इज़ नॉन एज कैथेटर, जिसके ज़रिए उसको दाखिल किया जा रहा है। एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पासिस थ्रू द पेरिटोनियम इन टू द डायलिसिस फ्लूड। दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम इन अ डे। जब उसको हम पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड को डाल देते हैं तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जितने भी वेस्ट वगैरह वो सारा डायलाइजर में आ जाता है, डायलिसिस फ्लूड के अंदर आ जाता है, और उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है, और दिन में कई दफ़ा ये प्रोसेस करना पड़ता है। डायलाइजर क्या है? इट इज़ अ किडनी मशीन दैट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन द किडनी फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। इट इज़ यूज फॉर किडनी फेलियर, डायलिसिस इज डन अगेन एंड अगेन अनटिल अ मैचिंग डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। यानी ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये नहीं है कि एक दो दफ़ा डायलिसिस हो गई तो बंदा ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। तो इसका एक ही हल है कि डायलिसिस उस वक्त तक की जाती रहती है जब तक मैचिंग किडनी नहीं मिल जाती। आखिरी हल जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। तो इन हाई डिग्री रेनल फेलियर ऑल्सो कॉल्ड एज द यूरीमिया एंड एंड स्टेज रेनल डिजीज द डायलिसिस इज डन एंडलेसली। Thus, the surgical transplantation of matching donor kidney is only the option left as the permanent treatment. फिर इस तरह से किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि जो डोनर की किडनी है वो टोटल मैच हो जाए, तमाम टिश्यूज़ उसके साथ मैच हो जाएँ, ब्लड सिस्टम मैच हो जाए, यानी ब्लड का जो टाइप है
ब्लड कौन सा है वो भी मैच हो जाए और किसी भी किस्म की उस बंदे को डिजीज़ ना हो, फिर किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोसेस है। लेकिन इसकी भी एक स्पेसिफिक एज है, उसके बाद वो किडनी दोबारा फेल हो जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थर्मोरेगुलेशन जो है वो होम्योस्टेसिस की जो लास्ट टाइप है जिसको हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो बेचे आप डिस्कस करें मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।